अधिवक्ता की हत्या के विरोध में न्यायिक कार्य से विरत रहे और अन्य अधिवक्ता पर दर्ज केस में पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया। जनपद मैनपुरी में अधिवक्ताओं की बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट ने संघ के केंद्रीय कक्ष में सभा आयोजित की, जिसमें जनपद कासगंज में अधिवक्ता श्री अरविंद कुमार की हत्या होने पर न्यायिक कार्य से व्रत रहने का निर्णय लिया गया। अधिवक्ता अरविंद कुमार के आकस्मिक निधन पर शोक संवेदनाएं व्यक्त की गयी। दिवंगत आत्मा की चिर शांति के लिए और उनके परिवार को महान दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की गयी। हमारे कलेक्ट्रेट के अधिवक्ता है राम अवतार सिंह जी, इनके ऊपर एक फर्जी मुकदमा लगाया गया है और इस मुकदमे में लगातार पुलिस द्वारा पीड़ित किया जा रहा है। हम लोगों ने आज पूरे जिले की हड़ताल की है। अगर हमारी इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को निष्पक्ष रूप से नहीं किया जाता है तो आगे की क्रमिक कार्रवाई के बाबत हम लोग सोचेंगे कि किस तरीके से पीड़ित अधिवक्ता को न्याय दिलाया जाए। अध्यक्ष जी, देखा जा रहा है कि अधिवक्ताओं के खिलाफ लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है। अभी दिनेश यादव एक और थे, उनको दंडार मुकदमा दर्ज किया गया, उस पर भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। देखिए, हमारा जो अधिवक्ता समाज है ये अपने अधिकारों के लिए बड़ा जागरूक रहता है। हम लोग पीड़ित को भी न्याय दिलाते हैं और जब हम पीड़ित होते हैं तो अधिकार को छीनना भी जानते हैं, और जब हम लोग अधिकार की बात करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे खिलाफ लोग ये कहते हैं समाज है। पुलिस तो लगातार अधिवक्ता को बताती है कि साहब झूठ कहते हैं। हम लोग अधिकार के प्रति संवेदनशील होते हैं, अधिकार स्वरूप छीनना जानते हैं। यही कारण है कि अधिवक्ताओं को लगातार उत्पीड़ित किए जाने की कार्रवाइयाँ होती हैं। कासगंज का जो प्रकरण है उसमें कुछ बताइए क्या हुआ है उसमें। देखिए, कासगंज की घटना जो हुई है बड़ा ही निर्मम हत्या हुई है अधिवक्ता महोदय की, और इस निर्मम हत्या के बाबत अभी तहरीर जो की चुकी परिजनों ने नहीं दी गई है। उनको घर से ले जाया गया और तब तक पीटा गया जब तक कि उनकी मौत नहीं हो गई। चूँकि इन्वेस्टिगेशन का मामला है, हम उनकी परिवार के प्रति हम लोगों की संवेदनाएँ हैं और हम इसी कारण आज उनकी संवेदना को लेकर भी आज हम सभी लोग कंडोलेंस पर हैं। आज कोई भी न्यायिक कार्य मैनपुरी जनपद में नहीं हुआ।